चलिए उसको ऑन कर दीजिए। ओके चलिए, आज का हमारा टॉपिक्स है, चैप्टर का क्या नाम है, ग्रेविटेशंस। 9th क्लास का टॉपिक्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ग्रेविटेशंस को आप लोग तो जानते करते हैं, नहीं जानते एक बार हम रिविजन्स करा देते हैं कि ग्रेविटेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन का मतलब होता है, दो वर्ड होता है, ग्रेविटेशन और क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी में और ग्रेविटेशंस में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाती है। जो पूरे विश्वव्यापी होता है, विश्व का मतलब कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट मान के चलिए, हम आपको ग्रेविटेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान कर चलिए कि मून है और ये आपका अर्थ है और ये आपका जो है जुपिटर्स है, और मान कर चलिए कि ये तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। तो भाई तीन ऑब्जेक्ट है क्या सर, तीन से अधिक हो सकता है? नहीं, तीन करोड़, तीन अरब, तीन खरब, कितनों सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड ये है कि ये एक दूसरे को आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर एक यूनिवर्सली रूल पर अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आपस में अगर अट्रैक्ट करता है, तो उस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशंस कहते हैं। अगली बात समझ में। लेकिन अगर मान के चलिए दूसरा केस में से समझ लीजिए कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका मान के चलिए कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, और अर्थ जो है किसी भी किसी अन ऑब्जेक्ट को, चाहे वह मून हो, चाहे वह हम हैं या कोई कुछ और हो, अगर उसको अपने तरफ खींच रहा होता है, तो उस केस में अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशंस ना कह के ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें हम ग्रेविटी को ग्रेविटेशन के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कि आपका जो है ग्रेविटेशंस का मतलब हो गया अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, किसी वस्तु को, एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने तरफ खींच लिया, वही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशंस कहलाता है। अब तो मेरा बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ऐसे मान के चलिए, जैसे कि आप लोग को एक चीज़ बताते बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि अगर आज से हम लोग 50 साल पहले चले जाएं, तो मोबाइल का क्या कोई इम्पोर्टेंस था जीवन में, नहीं होता। लेकिन आजकल देखिए मोबाइल का मतलब सब कुछ, अगर किसी से बात करना है कॉमन सा चीज़ है बात करना, लेकिन आजकल मोबाइल से बात करना तो कॉमन हो गया है, हर कोई जानता है मोबाइल से बात होता है। लेकिन आजकल पैसा भेजना है, पैसा मंगाना है, आया समझ में, किसी का लोकेशन जानना है, एड्रेस पूछना है, यानी कि दुनिया का हर काम मोबाइल से हो जा रहा है, सिवाय दो को छोड़कर, खाना खाना। अब मोबाइल से थोड़े खाना उठा के खाएंगे, ठीक है ना? तो मोबाइल से हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं, मोबाइल से नहा भी नहीं सकते हैं, सुबह वाला काम कुछ भी नहीं होगा मोबाइल से। बात समझ में आ गया, मेरे बात को समझिएगा हम कहाँ कह रहे हैं। तो सुबह वाला जो उठते के साथ आप लोग जो हम लोग क्रियाकलाप होता है, मोबाइल उसे नहीं करेगा, बाकी सारा काम क्या हो रहा है, हो रहा है। बात समझ में आ गया। लेकिन आजकल लोग मोबाइल को हर जगह लेकर चला जा रहा है, मोबाइल तो ऐसे हो गया दिल की धड़कन में घुस जा रहा है, आया बात समझ में। पहले गाना था तुम दिल की धड़कन में रहती हो, आजकल अब गाना आ जाए मोबाइल मेरे दिल की धड़कन में रखती हो। लोग पहले मोबाइल को यहाँ छिपाता था, यहाँ छिपाता, अब कहाँ कहाँ मोबाइल छिपता है, हमें बताने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। मोबाइल से काम तो दिन में कुछ कम रहता है, 9 बजे के बाद से रात के 3 बजे तक उसका काम कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लगता है कि पहले कहता कि मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, आजकल हो गया कि मोबाइल रहेगा तभी नींद, अभी चैन आ जाए। बच्चा को शांत कराना है कार्टून दे दो, बच्चा कार्टून देख रहा है आराम से। बच्चे बड़े बच्चे हैं, आप लोग जैसा 9-10 के बच्चे हैं, आप लोगों को शांत करना है 9 बजे के बाद मोबाइल दे दो, बस आ गया समझ में। ये कभी थे कह गए कि लड़की को घर से बाहर, हाँ मोबाइल, लड़की को मोबाइल, अब बच्चे को क्या होता है, बाइक मत दो। लेकिन बीच उल्टा हो गया, लड़की को मोबाइल और लड़के को बाइक दे दिया जाता है। बाकी प्रक्रिया क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, ढूंढना पड़ता है कि बच्चे गए तो कहाँ गए, आई बात समझ में। चलिए पॉइंट पर आते हैं, तो इम्पोर्टेंस बहुत हो गया है। उसी तरह से अब सर कि मोबाइल ग्रेविटेशन पढ़ाते पढ़ाते मोबाइल के पास कहाँ से चले गए, अरे ग्रेविटेशन नहीं तो मोबाइल है, मोबाइल है तो अट्रैक्शन है, आया बात समझ में। अब तो आज आदमी जो है कितनों करिया है, तो क्या हुआ, फिल्टर लगा के एकदम जो है क्या हो जाता है, एकदम गोरा हो जाता है, एकदम चिकना चमेली बन जाता है, बिल्कुल छिला हुआ अंडा की तरह, आया बात समझ में। हाँ तो आजकल हर चीज़ का है, पहले क्या होता था कि
अच्छा चीज़ कोई नहीं, ख़राब चीज़ कोई नहीं देखता था। आजकल मोबाइल पर जो है अच्छा कोई देखता ही नहीं है, जितना फटा हुआ पैंट सब पंख खड़ा हो जाता है सब, हाँ ये देखो ये देखो, आई बात समझ में। खैर छोड़िए, और आजकल ज़माना देखिए हर चीज़ पर लाइक और कमेंट आ जाता है, आई बात समझ में। खैर बात अट्रैक्शन की है और ग्रेविटेशन की है, तो मोबाइल में अट्रैक्शंस होता है, आई बात समझ में। उसको हम लोग आपको जो है पॉइंट पोटेंशियल चार्ज के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो उसको डिफाइन कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द इनवर्सस लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। भाई ये जो आपका ग्रेविटेशंस है, इनवर्सल ग्रेविटेशंस, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो भाई इसका महत्वपूर्णता ही महत्वपूर्णता है, मतलब इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है, इसका इतने सारे इंपॉर्टेंस है। अगर हम रोड पर चल रहे हैं ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे, सॉरी ग्रेविटी फोर्स ना रहे, तो हम रोड पर चल नहीं सकते हैं। अगली बात समझ में। तीसरा चीज़ के जो आप जानते होंगे कि जो आपका मून जो होता है, ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका क्या हो गया, मून हो गया। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, आश्चर्य क्या होगा, तो फिजिक्स के बच्चे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो कि ये मून जो है अर्थ के सराउंडिंग का होता है, एक सर्कुलर पाथ पर का होता है, मूव करता है। लेकिन आपको जानते होंगे फोर्स का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि कोई वस्तु तब चलता है जब उस पर फोर्स लगाए जाते हैं, बिना फोर्स लगाए वस्तु चलता नहीं है। सर ऐसा कोई जगह है जो बिना फोर्स लगाए वस्तु चले, बिल्कुल चलेगा, कहाँ, जीरो ग्रेविटी में जाए, एक बार धक्का दे दीजिए एकदम चलते रहेगा, तब तक चलेगा जब तक उसको रोका ना जाए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, आ गई बात समझ में। और वहाँ पर वहीं पर जीरो ग्रेविटी ऐसा जगह होता है जो पर न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत अच्छा से काम करता है। उन्होंने कहा कि और कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक उस पर से कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, आपका जो है जीरो ग्रेविटी होता है। जैसे कि आप लोग स्पेस में किसी रॉकेट को भेज देते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे कि ट्रैक्टर चलाना हो, मोटरसाइकिल चलाना हो, साइकिल चलाना हो, तो उसको इंजन को कंटिन्यू पुशअप करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, तो उसको चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट लोग होता है जो स्पेस में रॉकेट को थ्रू आउट करता है, जैसे कि अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जाती है यानी कि जीरो ग्रेविटी में पहुंचती है, उस कंडीशन में रॉकेट का इंजन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है। बात समझ में आ गया। चलिए तो वह इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से इंपॉर्टेंस यहाँ है। तो ये आपका जो है मून क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मून जो रोटेट कर रहा है अर्थ के क्या फोर्स के कारण, किसके कारण, अर्थ के फोर्स के कारण। और ये एक दूसरे को आपस में जो अट्रैक्ट करता है, मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करता है, इसको अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो जनरेट होती है ड्यू टू रीजन ऑफ द क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। वही लिखा है कि तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, और इस बात को समझें कि ये हम लोग हैं, हम लोग मतलब पेड़ पौधे हाथी घोड़ा ऊंट बलबल जो भी चीज दिखाई दे रहा है, और इन सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है, कौन, अर्थ जो है अपने तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, सेंटर की तरफ खींच रही है, सेंट्रिपेटल फोर्स के कारण खींच रही है। तो ये जो इसके अंदर जो अट्रैक्शंस आ रहा है, ये अट्रैक्शन किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू द रीजन ऑफ द क्या, ग्रेविटेशंस। अगर ग्रेविटेशंस नहीं रहता तो किसी वस्तु को जब ऊपर से हम नीचे गिराते हैं तुरंत अपने तरफ क्या होती है, टूवर्ड हो जाती है, रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा चीज की आपको ये भी चीज़ जानते होंगे कि अगर आपके जो बहुत सारे प्लैनेट्स होती हैं, जैसे मान के चलिए कि नेचर में आपके पास बहुत सारे प्लैनेट, हर प्लैनेट का अपना अपना क्या होता है, ऑर्बिट होता है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि बीच में कौन बैठा हुआ है, सन। तो सन क्या करता है, हर प्लैनेट पर अपना क्या करता है, ये फोर्स लगाता है, क्या लगाता है बच्चों, फोर्स। वह जो फोर्स जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जितने भी आपके प्लैनेट्स होते हैं उस ऑर्बिट में क्या करती है, रोटेट करती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो हमारे सोलर सिस्टम क्या है, पूरे यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वह अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त होगा, बिल्कुल उस मोबाइल की तरह कि 9 बजे के मोबाइल चाहिए, मोबाइल काहे चाहिए, ये अट्रैक्शन क्या होगा, होने वाला क्या है, नहीं है, अट्रैक्शन होना चाहिए ना, अगर कहीं गलती से कनेक्शन धर लिया तो अट्रैक्शन हो जाएगा कहीं और, आया बात समझ में। अब अट्रैक्शन समाप्त हो गया तो भाई अब तो जीने मरने की बात होती है, नहीं जी, है ना, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना अट्रैक्शन जारी रखिए, ग्रेविटेशन अपना अट्रैक्शन बिल्कुल क्या है, जारी रखा है। तो ये चार प्रमुख बातें हैं। एक और चीज़ दिया है, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन,
जो पृथ्वी पर ज्वार और भट्टा आता है, ज्वार भट्टा मतलब समुद्र में उछाल आती है, तो समुद्र के अंदर उछाल जो आती है इसका भी कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जब मून जो है अर्थ के जब नज़दीक आती है तो वो क्या होती है, पानी का होती है, उछाल मारती है। बिल्कुल कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल क्या है समझिए, मान कर चले कि हमारे पास एक टब है, क्या है टब, टब समझते हैं ना, पानी रखने वाला बर्तन समझ लीजिए। उसमें हमने क्या किया कि पानी भर दिया, क्या भर दिया, पानी, पानी भरा गया बाबू इसमें, और इसमें आपने क्या किया कि एक गेंद ले आया, क्या है गेंद, तो गेंद ऊपर है, गेंद ऊपर है, लेकिन होगा क्या कि अब ये जो गेंद है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। जब इस यही गेंद जब इसके अंदर आ गया, ऐसे अंदर आ गया, तो इसके जो पानी जो है वो बाहर की तरह क्या होगा, निकलना चालू होगा। ठीक वैसे ही कंडीशन में आप ऐसे समझिए कि ये आपका क्या है, अर्थ है, और ये आपका क्या है, मून है। तो मून जो होता है इस पर क्या करता है, फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पृथ्वी के कितने पार्ट्स हैं, चार हिस्से बटा गया है, और इसके तीन हिस्से में क्या है, पानी ही पानी है। तो इस फोर्स के कारण जो पृथ्वी का जो जल है ऊपर का होता है, उठने लगता है। तो जब पृथ्वी के जल काफी ऊपर से उठने लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। और टाइड तब होता है जब हमारा क्या होता है, आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी कि टाइड का आना, आपका जो है मून को घूमना, या प्लैनेट जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उस सन के सराउंडिंग घूमना, सबका रीजन कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये नहीं रहता तो ये काम क्या होती, नहीं होती। अगर हम लोग ट्रक बस गाड़ी ट्रेन इंजन जो चलता है, जो जमीन पर चलता है एकदम आराम से, वो इसलिए चल पाता है कि इस पर क्या रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तीसरा एक और पॉइंट आपको पढ़ा देते हैं, अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे फ्री फॉल, मतलब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं और तुरंत क्या होता है, नीचे गिर जाता है, जैसे छोड़ा और टुवर्ड द डाउन, हम कहते हैं आराम से गिर गया, नहीं ये आराम से नहीं गिरा, क्योंकि इसके भी गिरने का कारण क्या है, मान के चलिए एक और चीज़ कि हमारे पास ये पेन है और ये आपका क्या है, पृथ्वी का क्या है, मतलब कि अर्थ का पार्ट है, तो हम जब ऊपर से इसे छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, डाउन की तरफ चलेगा। तो हमने आराम से नीचे की तरफ गिर गया है, इसको गिराने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक गिर, नहीं बाबू, पृथ्वी क्या करती है, इसको अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो भी क्या होती है, आपकी ग्रेविटी के कारण ही होती है। तो ग्रेविटी के कारण किसी वस्तु को एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच ले, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ खींच लेती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसी फोर्स को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, आपको जो है फ्री फॉल कहते हैं। मान लो कि आप लोग क्या होता है, गर्मी के दिन आता है, अब बच्चे का ईंटा लेके जिसके द्वार के आगे आम है और थोड़ा भी सोया तो टप से मारेगा चलाकर, अब आम गिरे या ना गिरे लेकिन ईंटा तय है कि जाके नाक पकड़ लक गया, तो बूढ़ा बाबा लाठी लेकर सुंदर सुंदर भजन सुनाते हुए बच्चों के पीछे दौड़ते हैं। बात समझ में आ गया, अब हुआ क्या, भजन तो सुना रहे हैं बेचारे, परेशान है कि उनके नाक से जो है दोनों लिक्विड बाहर निकल रहे हैं, दो तरह के लिक्विड होता है, सर्दी का दिन है निकल रहा है उनका लिक्विड, और कहीं कस के लग गया तो रेड वाला भी निकल रहा है, रेड वाला तो काम, व्हाइट वाला ज़्यादा निकल रहा है। गुस्से में बच्चे को सुंदर सुंदर भजन दे रहे हैं और बच्चा एकदम रफ्तार पकड़ भाग रहा है। तो क्वेश्चन बना के जो ईंटा उसने चलाया, ईंट पत्थर को जो चलाया, अब बूढ़े बाबा का नाक पर लग गया, बूढ़े बाबा बिल्कुल गुस्से में है, बच्चे को गाली दे रहे हैं, सॉरी भजन सुना रहे हैं, आया बात समझ में, लेकिन उनको जो चोट लगा उस चोट का रीजन कौन है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी फोर्स ने उस पत्थर को अपने तरफ नहीं खींचा रहा था, तो उनके नाक से क्या होता, व्हाइट वाला लिक्विड बाहर क्या होता, नहीं आता। अब तो मेरा बात समझ में आ गया, जैसे आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं कभी लेट उठ जाते हैं, पापा जी बिल्कुल गुस्से में हैं, तो अपने नीचे का जो फुटप्रिंट वाला मशीन होता है ना, जो पापा जी पहन के चलते हैं, वह कभी कभी तो आपके माथे पे गिरने लगता है, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रूट प्रिंट जो आपके माथे पे गिर रहा है, तो उसमें जो अट्रैक्शन आ रहा है उसका रीजन क्या है, क्या है, ग्रेविटी। और बहुत पेड़ पौधे हैं, सर फ्रूट का आपका आम का पेड़ है और उस पर क्या है, आम बिल्कुल पक गया है, अका वगैरह टपक से नीचे गिर गया, तो फ्री फॉल नीचे आकर गिर गया, तो उसको खींचने का काम कौन करता है, ग्रेविटी करता है। और ग्रेविटी फोर्स कहाँ से आती है, पृथ्वी से आती है, अर्थ क्या करती है, ग्रेविटी फोर्स को जनरेट करती है। बात समझ में आ गया, यस या नो, क्लियर।